नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद की बेटियों ने अब बेटों की अपेक्षा कहीं अधिक अपने माँ बाप का नाम ही नहीं रोशन कर रही है, जिले व प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही हैं, जिन्हें देखकर हर माँ बाप कहता है काश मेरी भी बेटियाँ होती। कौशाम्बी के धर्मा इंटर कॉलेज केन कनवार की छात्राएं कुमारी जागृति सिंह एवं ज्योति मौर्य ने अलीगढ़ में आयोजित प्रदेशीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में अपने अपने वर्ग में प्रथम स्थान अर्जित करने पर एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सम्मानित किया और धर्मा देवी के प्रधानाचार्य राम किरण त्रिपाठी ने दोनों बालिकाओं को स्कूल में ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साथ ही बताया कि जिस समय स्कूल की स्थापना की काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, स्कूल के अध्यापकों की मेहनत और लड़के और लड़कियों की लगन से छात्राओं के साथ स्कूल व जिले का नाम रोशन कर रही हैं ये छात्राएँ। प्रथम स्थान पाकर मेडल प्राप्त किया, मुझे अगर यहाँ अवसर मिला तो मैं और भी आगे जा सकती हूँ। स्कूल में पढ़ाई साथ खेल कैसे माहौल है? पढ़ाई के साथ यहाँ खेल का माहौल बहुत अच्छा है, पढ़ाई का भी बहुत अच्छा है। यहाँ सभी गेम होते हैं और कई कई सारी एक्टिविटीज होती है। आपको जो रिजल्ट ट्रॉफी जब कैसा लगा? मुझे ये ट्रॉफी पाकर बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे बोर्ड परीक्षा में भी जिले में अव्वल रहते हैं, प्रथम स्थान अर्जित करते हैं प्रत्येक वर्ष, और उसके साथ साथ खेल की एक्टिविटीज में भी, जैसे कुश्ती में इस वर्ष हमारे 6 बच्चे जो है बालक बालिकाएं राज्य स्तर पर प्रतिभाग किए, और एथलेटिक्स में भी हमारी 2 बालिकाएं जो है राज्य स्तर पर इलाहाबाद में रिजू इसमें गए, राइफल शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर के लिए हमारी 2 बालिकाएं चयनित हुई। और यहाँ पर जो है जैसे जयंतियों में लोग छुट्टियां दे देते हैं, तो इस विद्यालय में सन 2002 से ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जयंतियों पर आयोजित की जाती हैं, निबंध और वाद विवाद और अन्य जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण